हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम किसी भी इमेज पे ग्रेडियंट इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। ग्रेडियंट इफेक्ट को हम इमेज के ऊपर अप्लाई भी करेंगे, बैकग्राउंड भी डिज़ाइन करेंगे, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किसी टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट को कैसे फिल किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रेडियंट का बेसिक जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ग्रेडियंट का आप यूज़ करके जो है अपनी फ़ोटोज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी पोस्ट को जो है आप एक अलग लेवल पे जो है ले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन देखने को ग्रेडियंट के अंदर मिलते हैं। सबसे पहले हम इस फोटो के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रेडियंट की एक न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ग्रेडियंट जो है देखने को मिलेंगे। इसके अंदर और भी ज़्यादा ग्रेडियंट्स हैं, उनको कैसे देखेंगे वो भी देखेंगे हम। अब सपोज कीजिए कि मेरे को ये वाला ग्रेडियंट जो है अच्छा लगा, मुझे फिल करना है इसके ऊपर। सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। आप जो है एंगल अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको किस एंगल पे इस ग्रेडियंट को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको रिवर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हमें ये देखना है कि इसका इफेक्ट जो है हमें कैसे देखने को मिलता है। ग्रेडियंट मास्क पे मैंने क्लिक किया, इसको एक्टिव रखना है और इसके बाद मुझे यहाँ पर ग्रेडियंट को अप्लाई कर देना है। तो देखिए मुझे कैसा इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा करने से ना एक अलग ही लेवल आ जाता है इमेज का। बिफ़ोर आफ्टर आप करके देख सकते हैं, पहले फ़ोटो ऐसी थी, अब ये ऐसी है। यहाँ पे हमने जो ग्रेडियंट अप्लाई किया था, ये डायमंड ग्रेडियंट अप्लाई किया था। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, आप रेडिकल भी टाइप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कैसा इफेक्ट देख जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसमें ये लाइन वाला इफेक्ट करता हूँ तो यहाँ से एक पता चलेगा कि मेरे को यहाँ से मैंने किसी एक चीज़ को ऑब्जेक्ट किया हुआ है। देखते हैं ये कि यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो गई है। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको पता चलेगा इन टूल्स के बारे में। ये था फ्रेंड्स सिंपल सा ग्रेडियंट का पोस्ट। अब मेरे को ये जानना है इस टूल के अंदर कि मेरे को अगर ये अप्लाई करना है तो कैसा इफेक्ट देखेगा। बस आपको यहाँ पर क्लिक करते जाना है और देखते जाना है क्या क्या इफेक्ट जो है आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स जो हैं हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब सपोज कीजिए मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया, अब मेरे को ये कलर जो है चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ब्लू की जगह पिंक आ जाए टॉप में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टॉप कलर पे, सॉरी टॉप में गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ ब्लू की जगह पिंक कलर आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे डाउन में ये आ गया है, और इस जगह पर मैं चाहता हूँ ग्रीन कलर आए। तो ये देखिए क्या इफेक्ट जो है मेरे को देखने को मिल रहा है, कितना अच्छा इफेक्ट है, आप खुद देख सकते हैं। ये जो इफेक्ट हमने बनाया है इसको सॉलिड इफेक्ट बोलते हैं, सॉलिड ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं। आप अलग अलग अप्लाई करके देख सकते हैं कि किस ब्लेंडिंग मोड में आपकी इमेज जो है सबसे ज़्यादा अच्छी दिख रही है, ठीक है। आपके पास फ्रेंड्स क्रिएटिविटी की कमी नहीं है फोटोशॉप के अंदर। जितना ज़्यादा आप इस टूल को अच्छे से क्रिएटिविटी करना सीख गए, और इस टूल के साथ मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप किसी और टूल पर स्विच नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया टूल लगता है मेरे को ये, और इसकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। अब ये था हमारा फ्रेंड्स नॉर्मल ग्रेडियंट, हमने कैसे यूज़ किया था सॉलिड ग्रेडियंट। अब हम देखते हैं कि हमें जो है थोड़ा नॉइसी टाइप ग्रेडियंट अगर क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर आप एक सैम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको जितनी बार रेंडमाइज क्लिक करूँगा उतनी बार एक रैंडम जो है ग्रेडियंट मेरे पास आ जाएगा। रफनेस है आपके पास, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रफनेस आपको कैसी शो होगी। मैं इसे थोड़ा सा कमी करके रखता हूँ, और यहाँ पे आप आरजीबी कंट्रोल्स कर सकते हैं, आरजीबी चैनल्स को, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे चैनल मिल जाएंगे कलर के जो जो मॉडल्स हैं, तो मैंने यहाँ पर चेंजेस करके देख सकते हैं आप। ये था फ्रेंड्स नॉर्मल चीज़। अब बात करते हैं इसमें अगर हमें दूसरे ग्रेडियंट्स को लाना है, इंस्टॉल करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई ग्रेडियंट्स पहले से हैं उनको अगर आप लोड करना चाहते हैं तो आप लोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पहले से प्रीसेट दिए हुए हैं, जैसे फोटोग्राफिक ट्यूनिंग, इस पर मैं जाता हूँ और अपेंड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट फिल हो जाएंगे नीचे, ये सारे के सारे ग्रेडियंट आ गए हैं। अब मैं इस पर क्लिक करके देख सकता हूँ कि किस ग्रेडियंट पर मेरी फ़ोटो जो है कितनी अच्छी आपको देखने को मिल रही है, कितना अच्छा इफेक्ट जो है आपको मिल सकता है। अब सपोज कीजिए मुझे इसी ग्रेडियंट के अंदर यहाँ से इसमें कोई और कलर फिल करना है। मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया ये वाला, ओके प्रेस कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इधर मैं
एक और ग्रेडियंट आ जाए तो उसको ब्रेक करने के लिए आप ऑल्ट प्लस इसको शिफ्ट कीजिए, तो देखिए यहाँ पे कलर आप ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ पे कोई और कलर जो है ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ेक्ट जो है आपको कैसा देखने को मिल रहा है, अपने हिसाब से आप कंट्रोल कीजिए इसको, जितना आपको रखना है उतना रखिए, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हैं ग्रेडियंट के साथ। ओके प्रेस कर दीजिए, एंगल चेंज कीजिए, कहाँ पे आपको अच्छा दिख रहा है देख सकते हैं। इसे आप खुद ही देखिए कि आपकी इमेज क्या थी और कहाँ से आप इमेज को कहाँ ले गए हैं। आपको अगर रिसेट करना है तो आप इसको ग्रेडियंट को रिसेट कर दीजिए, ओके पे प्रेस कर दीजिए, आपके ग्रेडियंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रेडियंट इंस्टॉल होते हैं आपको वो शो होने लग जाएंगे। ठीक है, ओके पे हमने प्रेस कर दिया है। तो कुछ ग्रेडियंट के हमने फ़ोटोज़ के ऊपर अप्लाई करके देखा है कैसे हमें ग्रेडियंट को अप्लाई करना चाहिए। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट करना जानेंगे, कैसे बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली ग्रेडियंट को लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट को फिल करना है, आप चाहे तो वैसे ग्रेडियंट यहाँ पे ले सकते हैं जो यहाँ पे पहले से प्रीसेट आपको देखने को मिल रहे हैं, और अगर चाहे तो आप दूसरे ग्रेडियंट भी यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इस ग्रेडियंट को यहाँ से ये अलग ग्रेडियंट ले लेता हूँ और इसी को फिल करता हूँ मैं, ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद आप इसके मोड्स वगैरह देख सकते हैं। पहले तो मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ जिससे कि थोड़ा सा अच्छा मेरे को लुक देखने को मिले। ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। आपने देखा होगा बहुत सारी इमेजेस में यहाँ से कलर वाइट जा रहा है, इधर जाते जाते ग्रे हो गया है, इधर जाते जाते ब्लैक हो गया है। तो ये सब रहा खेल जो है एक ग्रेडियंट का ही है, इससे आप जो है अच्छे अच्छे बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक थोड़ा सा इसी में हम चेंजेस करते हैं। मेरे को इसी ग्रेडियंट में मैं चाहता हूँ इस ब्लू कलर की जगह मैं रेड कलर फिल करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रेड कलर फिल हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ब्रेक कर दूँ यहाँ पे, तो उसके लिए बताया ऑल्ट प्रेस करना है और इसको लाके मेरे को यहाँ पे छोड़ देना है। अब मेरे को यहाँ पे जो है मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पिंकिश टाइप इफेक्ट देखना मिले, तो यहाँ पे अपने हिसाब से मैं कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ये वाला जो ऑरेंज कलर है इसकी जगह मैं चाहता हूँ ब्लू कलर आ जाए, तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर ले लिया है और इसको भी मेरे को ब्रेक करना है। तो आप खुद देख सकते हैं अब आपकी जो इमेज की बैकग्राउंड है वो कितनी अच्छी आपको जो है पहले के मुकाबले देखने को मिल रही है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ का कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। इसी में अगर आपको थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स वगैरह देने हैं आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सारे के सारे इफ़ेक्ट। मास्क लेयर को आपको एक्टिव रखना है और उसके बाद इसको अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड जो है आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत एक अलग चीज़ है, इसको आप एक अलग ही लेवल पे ले आ सकते हैं। इस चीज़ को क्रिएट करने के बाद आप अगर आप इसको ब्लर करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड जो आपको है इस ग्रेडियंट से आपको बना सकते हैं। यानी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। जितना आप दिमाग लगा सकते हैं ना फोटोशॉप के अंदर उतना दिमाग लगाइए, फोटोशॉप को भी हार नहीं मानने का। ठीक है, इतना अच्छा टूल है, आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए और इस टूल को यूज़ करना आना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। मैं अगर अपने पर्सनल लेवल की बात करूँ तो मुझे फ़ोटोशॉप से अच्छा फ़ोटो एडिटिंग टूल जो है कोई भी नहीं लगता है। या तक कि मैं टाइपोग्राफी भी ना फ़ोटोशॉप के अंदर ही करना ज़्यादा पसंद करता हूँ और किसी सॉफ्टवेयर पर मैं जल्दी से नहीं जाता हूँ। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा हमने यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे हमने इमेज के ऊपर अप्लाई किया, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एक टाइपोग्राफी टेक्स्ट के ऊपर जो है एक इफेक्ट जो है यहाँ पे देखते हैं कैसे देते हैं। तो इसको मैं 100 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ मिस्टर बॉट। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिस्टर बॉट टाइप किया और यहाँ पे मैं फॉन्ट जो हूँ अपने हिसाब से देख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से देखिए आपको किस पे ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मुझे फॉन्ट ले लेना है, बस मुझे मिस्टर बॉट ही टाइप करना है और इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। मैंने इसका ठीक है ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि
बैकग्राउंड में कोई ग्रेडियंट फिल ना हो, ठीक है, मैं सिर्फ इस टेक्स्ट के अंदर ही जो है ग्रेडियंट फिल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको ग्रेडियंट पे जाना है, कस्टमाइज़ कर सकते हैं ग्रेडियंट को तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता ही है क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, नहीं तो आप जो है यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट जो हैं रिक्रिएट जो हैं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ सॉलिड ग्रेडियंट ना लेके मैं यहाँ पे नॉइज़ ग्रेडियंट जो है यहाँ पे आपको फिल करके दिखाऊँ कि कैसा कैसा जो है इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो मुझे इफेक्ट थोड़ा सही लग रहा है, आप इसे सेव करना चाहे तो न्यू पे करके आप सेव कर सकते हैं, देखिए आ जाएगा ये, मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ, एंगल थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ जिससे कि अलग ही लुक आए थोड़ा सा, ये हाँ ये थोड़ा सही है, ओके प्रेस किया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको ऑल्ट प्रेस करके क्लिपिंग मास्क कर देना है, अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा है क्या करना है तो कुछ नहीं, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और अब आप देख सकते हैं कि आपका ग्रेडियंट जो है यहाँ पे फिल हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर थोड़े से चेंजेस करता हूँ मास्क लेयर को सिलेक्ट करके, आप देखिए आप इस तरीके से जो है इफ़ेक्ट बना सकते हैं, मैं यहाँ पे एक कलर फिल कर देता हूँ बैकग्राउंड में जिससे कि आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि क्या हो रहा है इमेज के अंदर, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली चेंजेस करना चाहते हैं तो आपके पास प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि फ़ोटोग्राफिक ट्यूनिंग अगर इसको मैं यूज़ करना चाहूँ तो उसको मैं अपेंड करता हूँ, तो देखिए आपके पास फ्रेंड्स इतने ऑप्शन हैं इसके अंदर, आप खुद थक जाएंगे इनको अप्लाई कर करके, स्पेशल इफ़ेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए, मेरे को पर्सनली ग्रेडियंट टूल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे जो है हम बहुत कुछ कर सकते हैं इमेज के अंदर, एक अलग ही जो है क्रिएटिविटी जो है आप अपने कंटेंट के अंदर दिखा सकते हैं, तो देखा आपने हमने आज की वीडियो में जो है फ़ोटोज़ के ऊपर ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड को कैसे क्रिएट करते हैं, और किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो है ग्रेडियंट को कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये सारी सारी चीज़ जानी आज हमने इस वीडियो में। फ्रेंड्स इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए आपके अपने चैनल मिस्टर बॉट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। फ्रेंड्स अगर आप कोई भी क्रिएटिविटी अगर आप अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और अगर आपने वो चीज़ को हमारे चैनल से सीखा है तो फ्रेंड्स हमें जो है हर जगह आप जो है ज़रूर टैग कीजिए किया कीजिए, अगर आप हमें कहीं पे भी टैग करते हैं तो हम अगर हमें वो स्टोरी आपकी अच्छी लगी पोस्ट अच्छी लगी तो उसे हम जो है अपनी स्टोरी पे ज़रूर लगाएंगे आपका नाम मेंशन करके। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर तो हर जगह फॉलो कर लीजिए, और फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।